आपके जो चरणों की रज है मानस करन मूर कछु अहै। सुनाए हमने जादू है राजा जी के पद पंकज में। हे महाराज, हमने सुनाया आपकी चरणों की रज में कोई जादू है। सुनाए हमने जादू है राजा जी के पद पंकज में, पत्थर में जान डालने की है शक्ति चरणों की रज में। महाराज एक बात बताओ, वो विश्वामित्र जी के साथ आप ही गए थे मिथिला? बोले हाँ। मार्ग में कोई शिला मिली थी? बोले हाँ। उससे आपने चरण लगाए थे? बोले जी। वो पदशिला क्या हो गई थी? बोले वो ऋषि पत्नी हो गई थी। बोले यही 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 भय है, यही डर है। इसी भय के कारण मैं आपको नाव में नहीं बैठा रहा हूं। क्यों? बोले हमने सुन रखा है आपके चरणों की रज में जादू है, और सुनो वाकई ये जादू है। आप बताओ, आप लोग भगवान का चरणामृत पीते हो कि नहीं? जवाब दो। पीते हो? पान करते हो? क्या है उसका लाभ? क्या है? जादू ही तो है वो। एवरी डे जो भगवान के चरण का चरणोदक पिए, वो लॉन्ग टाइम तक बीमार नहीं पड़ेगा। और बड़े से बड़े बीमारी भी, लेकिन शर्त है मदिरा नहीं चलेगी, कोई नशा नहीं चलेगा, सुट्टा नहीं चलेगा, लुट्टा नहीं चलेगा, जो लगाते वो नहीं, हुक्का नहीं, कुछ नहीं। कहते हैं ना, तुम्हें ये हो गया है? बोले शुगर हो गया, मीठा नहीं खाना। ऐसे जो चरणामृत लेते हैं उन्हें फिर पीना नहीं है, नशा नहीं करना है, गुटके सुटके नहीं खाने। फिर देखो वो चरणामृत कैसा कमाल करता है। काल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। जो भगवान नारायण के चरणों के चरणोदक का पान करता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती, तमाम रोगों को नाश कर देता है। सर्व व्याधि विनाशनम, सभी जो व्याधि हैं, क्लेश हैं, द्वंद हैं, उनको मिटा देता है। कौन? भगवान का चरण। अरे पहले हमारे घर में इसलिए शांति हुआ करती थी, हर घर का मेंबर चरणामृत पान करता था। आजकल चरणामृत पान नहीं करता, पता नहीं चरण की कुछ चीजें पान करता है। तो जादू है कि नहीं? जादू है। सुना है मैंने जादू है राजा जी के पद पंकज में, पत्थर में जान डालने की है शक्ति चरणों की रज में। पत्थर और शिला पे इसका इस तरह असर होवे, मेरी काठ की नौका है छूते ही छूमंतर होवे। महाराज जब पत्थर को भी स्त्री बना सकती आपकी चरण की रज, तो मेरी तो ये नाव है वो भी काठ की है। और काठ की में भी एक और अंतर है महाराज, वो तो एक शिला थी तो एक स्त्री बनी, एक एक थी ना शिला तो एक स्त्री बनी। अब महाराज ये जो नाव है ये एक काठ के टुकड़े से तो बनी नहीं, इसमें छोटे 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 कई टुकड़े लगे। और महाराज चरण रज में तो जादू है ही, कहीं ऐसा ना हो कि जिस जिस टुकड़े से आपकी चरण रज लगती जाए और वो टुकड़ा स्त्री बनता चला जाए। और एक महाराज प्रार्थना जी है, एक स्त्री के मारे तो 24 घंटे में से कम 8-10 घंटे नाव चलाते हैं उनका पालन करने के लिए। एक स्त्री के कारण इतनी देर नाव चलानी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जब इतनी स्त्रियां हो जाएंगी तो महाराज सच बता रहे हैं, फिर तो गड़बड़ ही होगा। बोलो राधे राधे।